हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज जा रही हूँ पार्टी में, एक फ्रेंड की पार्टी है और हम तीनों फ्रेंड्स मिलकर जा रहे हैं। पहुँच चुके हैं अपनी पार्टी के स्थान पर और अब पार्टी की तैयारी गेम के साथ। हौजी मेन गेम, मैं कुछ नहीं कर पाई, जीत नहीं पाई, गेम खेला, मज़ा नहीं आया, लेकिन खेलना तो ज़रूरी था। और फिर उसके बाद पार्टी से निपटने के बाद खाना पीना खाकर आज पहुंच गई थी बाजार। बाजार में ये हमारे यहाँ बजरिया है और इससे हम लोग चूड़ी उड़ी वगैरह ख़रीदते हैं। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग और आज तैयारी कर रही हूँ। पहले तो बना ली थी शिकंजी और अब तैयारी कर रही हूँ खाने की। और चटनी की तैयारी है, ये चना दाल और नारियल की चटनी, क्योंकि आज मुझे बनाना है खिचड़ी। और ये चटनी पिस चुकी है। मठा मैंने तैयार कर लिया है दही के साथ बनाने के लिए। और ये खिचड़ी का बघार तैयार कर लिया, खिचड़ी में बघार लगाने के लिए। तल रही हूँ पापड़, क्योंकि खिचड़ी के साथ जब तक पापड़ ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता है। और पापड़ के बाद मैंने आज खिचड़ी का ही प्रोग्राम रखा था कि ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, हैवी हो जाता है, तो खिचड़ी ही बनाई थी फ्रेंड्स आज। और गर्मा गर्म खिचड़ी पेट के लिए भी अच्छी होती है और जब तक हींग ना डालो तब तक खिचड़ी का मज़ा नहीं आता, उतना अच्छा मज़ा नहीं आता है। और इसमें बाकी राई और सरसों वगैरह भी मैंने डाल दिया था। और मूंग की दाल की खिचड़ी जो है उसका बघार जब तक लौंग हींग और ज़ीरे से ना हो तब तक उसका बघार अच्छा नहीं लगता है। आलू उबाल लिए थे और आलूओं को मैश कर रही हूँ। इसमें ऐड कर दिए हैं प्याज और धनिया पत्ती, और इसमें बहुत लोग लहसुन भी डालते हैं, मैंने लहसुन नहीं डाला। साथ ही सरसों का तेल इसमें ऐड कर दिया है। और तल ली थी कुछ लाल मिर्ची, जो कि उसमें मैं ड्राई डालूँगी। और इस तरीके से मैंने मिर्ची भी तल ली थी, क्योंकि भरता बनाना था पूरा बिहारी स्टाइल में, क्योंकि बिहारियों का जो भरता बनता है चोखा वो बहुत ही टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स, आज बनाई है मूंग की दाल की खिचड़ी, आपकी सबकी फेवरेट, बहुत ही हल्की फुल्की खिचड़ी होती है ये। और बनाई है मैंने साथ में चना दाल मूंगफली की चटनी, और साथ में है घी, दही है ये, इसे मैंने मठे का रूप दे दिया है। और इसमें है नमक, काला नमक, जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च, और ये है भरता चोखा जिसे हम कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा लग रहा है ना चोखा। और पापड़, और बिना घी के तो खिचड़ी का आनंद बेकार है। खिचड़ी के चार यार, दही, पापड़ और अचार। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को। आज फादर्स डे है, फादर्स डे की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चढ़ा दिया था ये मैंने देसी ओटीजी, जिसमें आज मैं केक बनाऊंगी। देसी ओटीजी यानी कि कढ़ाई चढ़ा दी थी भारी तले की, और उसे कवर कर दिया था एक थाली से, जे ताकि उससे भाप या जो गर्माहट है वो बाहर ना निकले।
और ये ग्रीस कर लिया था स्टील का ये एक बर्तन, इसे बढ़िया मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा आटा डाल दिया था। ले लिया है दूध एक कटोरी के लगभग, क्योंकि आज मुझे केक जो बनाना है वो आटे से बनाना है, और इसमें करीब आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ऑयल ले लिया था। एक अंदाज़ हम लोगों को हो जाता है कि कैसे खाना बनाना है, कैसे कुकिंग करनी है, और ये है आधी कटोरी से भी ज़्यादा पिसी शक्कर। मैं हमेशा पिसी शक्कर रखती हूँ कि जैसे इंस्टेंट मुझे जल्दी कुछ बनाना है या शरबत वगैरह भी कुछ बनाना है तो मैं जल्दी मतलब बना लेती हूँ। और ये सारे मिश्रण मैंने ले लिए थे और इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। साथ में लिया था आधा कटोरी से ऊपर दही, क्योंकि केक में दही जाता है तो बहुत ही अच्छा बनता है, और इसके साथ साथ ज़रूरी इंग्रेडिएंट हो जाता है आपका वनीला का ये कस्टर्ड पाउडर, 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और 2 चम्मच मैंने ले लिया था ये कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च जो है ये भी कंपलसरी हो जाता है केक बनाने में। कभी कभी इस तरीके से भी केक बनाइए तो बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक बनता है। तो आज ये सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। आटा लिया था मैंने बड़ी कटोरी से फुल कटोरी भर के, तो वो लगभग लगभग 200 ग्राम के करीब था आटा, और इस तरीके से ये मैंने इसको मिक्स कर दिया था विस्कर से। साथ ही थोड़ा ये मुझे टाइट लग रहा था इसका जो सॉल्यूशन था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड, दूध और ऐड कर दिया ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए। और साथ में डाल दिया था मैंने 1 चम्मच सिरका, और जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे खाने का सोडा और बेकिंग पाउडर, वो भी मैंने स्पून फुल बेकिंग पाउडर और हाफ स्पून टीस्पून वो मैंने लिया था बेकिंग सोडा। तो ये 2 चीज़ें जब तक राइट प्रोपोर्शन में नहीं जाएंगी तब तक आपकी बेकिंग अच्छी नहीं होगी। कोई भी जो केक प्रिपरेशन होती है उसमें आपके इसी का बैलेंस अगर हो तो केक बहुत अच्छा बनता है। अब इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, इसमें लिक्विड जो सॉल्यूशन है केक का उसको बैटर है, और उसको टैपिंग करके अब ये जो प्री हीटेड हमारा OTG है, देसी OTG, इसमें मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से आज हमारा केक बनने वाला है, और उसको कवर कर दिया है। तो फर्स्ट मैंने जब इसे ओपन किया करीब आधे घंटे के बाद, तो थोड़ा ज़्यादा ही समय आज मुझे लगा था, केक ज़्यादा था क्योंकि जो मटेरियल था वो ज़्यादा था। और ये देखिए ये जो मैंने इसमें जो वो डाल के देख लिया था इससे वो मतलब पक गया था केक अच्छे से। और ये देखिए मेरा केक देखो कितना अच्छा बना है, सॉफ्ट स्पॉन्जी। इस तरीके से आज का दिन गुजरा। फ्रेंड्स, आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं आप ज़रूर बताएं, और बहुत ही नाइस केक बना था। इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहिए, बनाते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए। जय जय।